नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की एक धमाकेदार स्कीम के बारे में। इस स्कीम के अंदर आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। दोस्तों, अभी जो मार्केट में जितनी भी पोस्ट ऑफिस की स्कीमें चल रही है उसके अंदर सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ये स्कीम के अंदर है, तो आपको बेनिफिट मिलने वाला है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कौन कौन ये स्कीम खुलवा सकता है, कितना इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टेनर यानी कि कितने साल आपको पैसा रखना है, और कितने तक अकाउंट आप पैसा रख सकते हो, कितना पैसा भर के आपको अकाउंट खोल सकते हो, ये सब डाउट आज के इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। और दोस्तों, लास्ट में हम देखेंगे अगर आप कितना पैसा इन्वेस्ट करोगे और RD मिक्स करके हम कैसे उसमें ज़्यादा रिटर्न ले सकते हैं। तो चलो देखते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। सबसे पहले बात करें दोस्तों, ये स्कीम का नाम है पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इसको हम शॉर्ट में SC SSB बोल सकते हैं। दोस्तों, बात करें तो ये स्कीम कौन कौन खोल सकता है। ये स्कीम 60 साल के ऊपर का कोई भी व्यक्ति खुलवा सकता है, यानी कि आपके घर में आपके फादर मदर बुजुर्ग है कोई तो आप उसके नाम पे अकाउंट खुलवा सकते हो। और दोस्तों, बात करें अगर डिफेंस यानी कि हमारे मिलिट्री वाले लोग भाई हैं उनके लिए रिटायरमेंट VRS लेते हैं तो वो भी ये स्कीम के अंदर बेनिफिट ले सकते हैं। अभी दोस्तों हम आगे बात करें तो ये स्कीम की लिमिट क्या है, पैसा कितना रखना है स्कीम में। ये स्कीम के अंदर मिनिमम आपको 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना है और मैक्सिमम 30 लाख, यानी कि पहले 15 लाख था, अभी जो 30 लाख कर दिया गया है इसके अंदर, ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। और बात करें इसकी पीरियड यानी कि कितना साल आपको पैसा रखना है। दोस्तों, इसके अंदर आपको 5 साल तक पैसा रखना है, 5 साल आपका पैसा पड़ा रहेगा और इसके अंदर इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा। इसके हम बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.20, जो है सबसे हाई, यानी कि कोई भी स्कीम में इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट है नहीं। अभी दोस्तों हम बात करें तो ए अकाउंट में टैक्स रिलेटेड क्या है, ए अकाउंट में HTC के अंदर टैक्स में बाद मिलता है, यानी कि आप इसमें इन्वेस्ट करोगे तो इसमें आपको टैक्स में बाद भी मिलेगा। और ये कितने अकाउंट खुलवा सकते हैं, ये अकाउंट मल्टीपल कितने भी अकाउंट खुलवा सकते हैं, 5, 10, 15, 1-1 लाख के, लेकिन सब मिला के 30 लाख के ऊपर नहीं जाना चाहिए। आप 50,000 का खुलाओ, 5 लाख का खुलाओ, जितनी आपकी मर्जी है उतना अकाउंट खुलवा सकते हो। और अगर बात करें तो सिंगल अकाउंट खोल सकते हो और ज्वाइंट अपनी वाइफ के साथ भी खोल सकते हो, लेकिन दूसरे किसी के साथ भी ये अकाउंट ओपन होगा नहीं। अभी दोस्तों बात कर देते हैं TDS, इसमें TDS 50,000 तक फ्री है, उसके ऊपर ब्याज जाता है तो आपको टैक्स कटेगा, लेकिन इससे बचने के लिए आप 15G या 15H भर सकते हैं। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं है तो आपका टैक्स यहाँ पे नहीं कटेगा, आप 15G और 15H भर दीजिए। अभी दोस्तों हम आगे बात करें तो इसमें हम खाता खुलवाने के लिए क्या देना पड़ेगा, सिंपल इसमें आपको डॉक्यूमेंट देना है, पैन कार्ड और अपना आधार कार्ड, ये आप सबमिट करवाइए, फॉर्म फिलअप कीजिए तो पोस्ट ऑफिस में आराम से आपका अकाउंट खुल जाएगा। ऐसा नहीं पोस्ट में, अगर आप बैंक में भी अकाउंट आप खुलवाना चाहते हो, सरकारी बहुत सारी बैंकें हैं जो एक अकाउंट खुलती है, बैंक में भी आप आराम से अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। अभी दोस्तों ये तो बात हो गई इसके फीचर्स के बारे में, अभी दोस्तों बात करते हैं इसमें कैसे आप ज़्यादा ब्याज ले सकते हो और कितना पैसा रखोगे तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा। अभी दोस्तों हम बात करें तो अगर आप 5 लाख रुपये इन्वेस्ट करोगे 5 साल तक, हम रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका है 8.2, तो साल का यहाँ पे गौर करने वाली बात है, साल का आपको यहाँ पे मिलेगा 41,000, यानी कि हर साल आपको 41,000 रुपया मिलेगा 5 लाख आप इन्वेस्ट करोगे। अभी मानो कि आपने 10 लाख रुपया लगाया 5 साल तक और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.2, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 82,000, यानी कि 82,000 रुपया आपको इसमें इंटरेस्ट मिलेगा। अभी हम बात करते हैं अगर आप 20 लाख का इन्वेस्टमेंट करोगे 5 साल तक, तो आपको यहाँ पे मिलने वाला है 1,64,000 रुपया, यानी कि 2.25 लाख रुपया हर साल मिलेंगे। अभी मानो कि 30 लाख जो कि इसकी मैक्सिमम लिमिट है वो आप इन्वेस्टमेंट करोगे 5 साल तक, तो आपको यहाँ पे मिलने वाला है 2,46,000 रुपया, यानी कि काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल रहा है। यहाँ पे हम समझते हैं मानो कि आपने पूरा का पूरा 30 लाख लिमिट का इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपको मिलेगा 2,46,000, यानी कि हर महीने होगा 20,500, हर महीने आपको 20,000 रुपया मिलेगा। अभी क्या करना है, जो 20,000 आता है उसको हमें RD कर देनी है 20,000 की, 5 साल तक इसमें पैसा आएगा उस तरफ RD में जाएगा, तो RD में आपको मिलने वाला है टोटल जो पैसा है वो होगा 14,43,000 रुपया। आपकी RD जब मैच्योर होगी 5 साल के बाद तो आपको यहाँ पे मिलने वाला है 14 लाख रुपया, 12 लाख और बाकी का इंटरेस्ट 2.5 लाख तक आपको इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि टोटल हो जाएगा 30 लाख, वो SC SS में जो भरा है वो तो वापस आने वाला है और 14.5 लाख RD से आएगा, यानी कि टोटल मिला के 45 लाख रुपया आपको मिलेगा 5 साल बाद। और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हम बात करें तो 8% इसका और 6% इसका,
यानी कि 14% तक आराम से आप रिटर्न ले सकते हो। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं फिर से नए एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।